मेरे घर के सामने बहुत सारे नेबर्स दे वॉर स्क्रीमिंग, बट हमने उतना सीरियसली नहीं लिया। न्यूज़ रिपोर्टर ने लिखा है कि मैं रिसेंटली वापस आई हूँ, वो भी फ्रांस से। मेरी मम्मी ने उनको मेरा पासपोर्ट, टिकट्स, बोर्डिंग पास सब कुछ दिखाया, मेरे पास प्रूफ था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हाय एवरीवन, आई एम अंकिता दास, आई एम अ प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर एंड आई एम अ ओलंपियन आल्सो। सो टुडे आई एम गोना शेयर विद यू समथिंग। 5th March आई हैव ट्रैवल फ्रॉम बैंगलोर टू बर्लिन फॉर माई लीग मैचेस एंड 10th March आई हैव कम बैक टू इंडिया। सो मैं वहाँ से वापस घर आई, फिर एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज परफेक्टली नॉर्मल। मैं घर पे आई, मैं आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेशन में थी 14 days। मम्मा ने मुझे आइसोलेशन में रखा था, मेरे लिए अलग रूम, खाना, कपड़े, सब कुछ अलग था। तो सडनली ऑन 18th और 19th March मेरे घर के सामने बहुत सारे नेबर्स दे वॉर स्क्रीमिंग, बट हमने उतना सीरियसली नहीं लिया। बट नेक्स्ट डे मेरे बारे में नॉर्थ बंगाल जो न्यूज़पेपर है उसमें किसी ने लिखा है कि न्यूज़ रिपोर्टर ने लिखा है कि मैं रिसेंटली वापस आई हूँ, वो भी फ्रांस से, तो मुझे आइसोलेटेड क्यों नहीं रखा गया। तो मेरे घर पे जब हॉस्पिटल से लोग आए मुझे लेने के लिए, तो मैंने उन्होंने मुझे देखा कि मैं आइसोलेशन में हूँ अपने घर पर। प्लस मैंने उनको मेरे मम्मी ने उनको मेरा पासपोर्ट, टिकट्स, बोर्डिंग पास सब कुछ दिखाया, मेरे पास प्रूफ था। तो उसके बाद वो लोग वापस चले गए। तो मतलब इतना गंदा लग रहा था कि मुझे मेरे घर पे मुझे मुझसे बिना पूछे किसी ने न्यूज़पेपर में लिख दिया और मेरे घर पे डॉक्टर्स को भी बुला लिया। सो इट वॉज ओके, मैंने वो सब नॉर्मल पे मिल लिया। उसके बाद सिचुएशन इतना बुरा होने लगा, वो लोग बहुत रिमोर्स स्प्रेड करने लगे कि मैं रिसेंटली आई हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा।